हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NRCI एजुकेशन हब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज अपन जो बात करने वाले हैं, पिछली वाली क्लास में जो बात की थी मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी के अंदर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। और उसी के अंदर अपन नेक्स्ट है जो है मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया, सो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि मृदा जो निर्माण कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है, मोस्टली उनके अपन बातें करने वाले हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से अगर इन कारकों की अपन बात करें तो ये अलग अलग कारक हैं। अपन सभी जानते हैं जो मृदा होती है बनने की प्रक्रिया है वो एक मंदक प्रक्रिया होती है, अलग अलग स्टेपों से गुजरने के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो काफी लंबा प्रोसेस है, कई साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने के अंदर, एक देर बनने में मिट्टी कई वर्षों लग जाते हैं, 7,000 साल हो 2,000 साल के अंदर जाकर के बन पाती है। तो ये देखो कारक कौन कौन से है। अगर नॉर्मली रूप से देखें तो जोफे के द्वारा, जोफे जो अपन एक परिभाषा पढ़ी थी जोफे के द्वारा मिट्टी की दी गई, उन्हीं के द्वारा इसको कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक कहलाते हैं सक्रिय कारक, कौन से कहलाते हैं सक्रिय कारक, और एक दूसरा प्रकार होता है निष्क्रिय कारक। कौन से होते हैं सक्रिय और निष्क्रिय कारक जो होते हैं, इनको दो भागों में इसके अंदर बांटा गया है। सक्रिय कारक और निष्क्रिय, एक्टिव और डीएक्टिव कारक कौन से होते हैं। सक्रिय कारकों के अंदर अपने पास में है, इसको भी अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों के अंदर अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक अपने पास में जो आते हैं वो होते हैं जलवायु कारक, कौन से जलवायु वगैरह जो होती है, जलवायु के कारक जो होते हैं उनकी अगर बात कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा एक अपने पास में था जैवमंडल, जैवमंडल जो होता है वो भी इसको प्रभावित करता है, जैवमंडल होता है ये भी इसको डायरेक्टली प्रभावित करता है। जलवायु अगर कारकों की बात करें तो इसके अंदर अपने पास में कौन से आती है, वर्षण यानी वर्षा होती है, और तापमान जो होता है, तापमान यानी टेम्परेचर होता है, ये सबसे ज्यादा जलवायु के कारकों में प्रभावित करते हैं। जैवमंडल की जो संरचना होती है ये संरचना किस प्रकार की पाई जाती है, ये कारक हैं ये इसके अंदर आते हैं। सक्रिय कारकों में अपने पास में दो कारक हैं, एक जलवायु के कारक है, दूसरा कौन सा है जैवमंडल कारक है। निष्क्रिय कारकों में अगर बात करें तो अपने पास में यहाँ पर भी तीन कारक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से ऐसे कारक जो पाए जाते हैं, पैतृक जो पदार्थ है वो किस प्रकार का है, यानी पैतृक जो पदार्थ होते हैं, पैतृक पदार्थ जिनसे मिट्टी का निर्माण हो, पैतृक पदार्थ कौन से, उनकी प्रवृत्ति कैसे, निष्क्रिय पदार्थ कार्बनिक है कार्बनिक है। दूसरा अपने पास में होते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति कैसी है, स्थलाकृति का मतलब है टेढ़े मेढ़े हैं या पहाड़ वगैरह हैं वो कैसे हैं, फूटे हैं किस छोटे हैं या बड़े हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं स्थलाकृति। और कितना समय लगने वाला है इसको बनने में, ये तीसरा कारक अपने पास में यहाँ पर है। निष्क्रिय कारकों में अपने पास में तीन कारक आते हैं, सबसे पहले अगर बात करें टोटल ये 1 और 2। तीसरा कारक है अपने पास है पैतृक कारकों में, अगर निष्क्रिय बात करें तो पैतृक कारक है। चौथा अपने पास में स्थलाकृति और पांचवा कौन सा है समय। नॉर्मली अपन देखें तो सक्रिय जो कारक है, अगर कारकों की बात करें तो टोटल अपने पास में पांच जो कारक होते हैं मुख्य रूप से मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कितने कारक प्रभावित करते हैं मृदा के निर्माण को, पांच कारक यहाँ पर मुख्य रूप से अपने को मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब वो देखिए कौन कौन से स्टूडेंट्स, वन बाय वन एक एक कारक अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सक्रिय कारक, सक्रिय जो कारक होते हैं ये कैसे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जलवायु, जलवायु की स्टूडेंट अपन बात करें जलवायु कई प्रकार की होती है, जलवायु कितने प्रकार की होती है, शुष्क जलवायु प्रदेश होते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश होते हैं, उनके अपन यहाँ पर बात करने वाले। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले अपन जलवायु वाले कारकों को देखने वाले हैं, जलवायु के कारक होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं। जलवायु में जो कारक होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, वृक्षण वाले जो क्षेत्र की अगर बात करें तो जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा के आधार पर अगर बात करें तो ये भी कई प्रकार के जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, ये अपने पास में देखिए तो ये वाले नमी वाले जो होते हैं आर्द्र, जिनको अपन कहते हैं आर्द्र, आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं उनमें मिट्टी में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, जलवायु कारकों में वर्षा ऋतु है वो वर्षा होती है ये प्रभावित करती है किसको, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है वहां पर क्या होगा, वो आर्द्र क्षेत्र कहलाएंगे। वहां पर कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, वहां पर मिट्टी का निर्माण क्या होगा आसानी से हो जाएगा। जहां पर नमी ज्यादा रहेगी वहां पर मिट्टी के लिए अनुकूल टेम्परेचर उसको मिल जाएगा, तापमान उसको अनुकूल टेम्परेचर अगर मिल जाता है तो निर्माण मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर नमी
और ताप की अगर मात्रा को अपन बढ़ा देते हैं, नमी और ताप दोनों को अगर अपन बढ़ा देते हैं, दोनों की मात्रा अगर विद्यमान है इस चट्टान के अंदर, तो उसमें मिट्टी बनने की संभावना क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। समझ के बात है। दूसरा अपने पास में है शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो होती है मिट्टी, नॉर्मल अपन देखे तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तान वगैरह होते हैं वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी अपने को, रेतीली मिट्टी मिलती है, क्योंकि वहां पर जैसी चट्टाने मिलेगी वैसी मिट्टी वहां पर बनेगी, क्योंकि वहां पानी तो है नहीं। अर्धशुष्क का मतलब होता है जहां पर नमी ज्यादा भी नहीं होती, नमी कम भी नहीं होती, वो अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाते हैं, वहां पर वर्षा ज्यादा भी नहीं होती कम भी नहीं होती, तो अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर मिट्टी है वो अलग टाइप की अपने को मिलेगी। नमी वाले क्षेत्रों के ऊपर बातें कर ही चुके हैं, जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर तापमान की और नमी की आधार पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अपने को मिल जाता है वहां पर, तो वहां पर एक अलग टाइप की मिट्टी अपने को मिल सकती है। जलवायु कारकों में वर्षा और तापमान सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, ये अपने देखा है शुष्क क्षेत्र अर्धशुष्क और नमी वाले क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा अपने पास में जो कारक है स्टूडेंट, जिसके सक्रिय कारकों में अपन बात करें तो अपने पास में दूसरा कारक कौन सा है, दूसरा कारक आपके पास में जैव मंडल, कौन सा है, जैव मंडल। अब भाई जो पृथ्वी होती है उसका जैव मंडल जो है वो किस प्रकार की मिल सकता है, जैव मंडल का मतलब बायोस्फीयर जो अपने पास में दिख रहा है वो कैसा है, उस पर जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु कैसे हैं, प्लांट्स हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, तीव्रता से कार्बनिक पदार्थ देने वाले हैं या आसानी से निक्षेपित होने वाले हैं, आसानी से अपक्षय दर्शाने वाले हैं, तो मिट्टी का निर्माण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जैव मंडल में क्या होता है, जैव मंडल में अपने पास में दो ही कारक आते हैं, जैव मंडल में जो अपने पास में जीव जंतु हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो या जो प्लांट होते हैं पौधे होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, जीव जंतु कैसे हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थ खाने वाले हैं कि कार्बनिक खाद्य पदार्थ वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा रहेगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ है उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा पाई जा रही है तो मिट्टी का निर्माण क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ये जलवायु मंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी। दूसरा अपन बात करें जैव मंडल के अंदर अपन बात करें तो कौन कौन सी गैसें हैं, जो वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं वो कौन कौन सी कितनी मात्रा के अंदर उपस्थित होती हैं, CO2 O2 की मात्रा कितनी होती है, ये भी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में इसमें आती है, जैव मंडल के अंदर आती है। समझ गए बातें, ये किसमें आते हैं, सक्रिय कारकों के अंदर आते हैं। नॉर्मली अपन देखा सक्रिय कारक कौन कौन से होते हैं, जलवायु जिसमें वर्षा और तापमान आते हैं, और दूसरा अपने पास में कौन सा स्टूडेंट्स, वो अपने पास में जैव मंडल, जैव मंडल में जीव जंतु और जो पौधे होते हैं उनकी प्रवृत्ति डिसाइड करती है कि मिट्टी का निर्माण जल्दी होगा या लेट होगा, किस प्रकार की मिट्टी बनेगी, लाल बनेगी, पीली बनेगी, हरी बनेगी, कौन से कलर की मिट्टी बनेगी, दोमट मिट्टी होगी या रेतीली मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, ये डिसाइड कहाँ पर होते हैं, जीव जंतु की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अपन देखें आज अपन इसमें फिलहाल इतना ही बात करेंगे कि सक्रिय कारकों में कौन कौन से कारक किस राशि को प्रभावित करते हैं, बाकी इसके अंदर है क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली चीजें है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, नॉर्मल जो अपना खुद भी लगा सकते हैं मिट्टी का निर्माण कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है, ये नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल वाला पार्ट ही कह सकते हैं उसको, ज्यादा अपने सोच नॉर्मली अपना आईपीएस उसको कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाए तो अपने को पता हो जाएगा कि सक्रिय कारक क्या क्या है, तो थोड़ा सा अपने को इनका डायरेक्टली रूप से पता होना चाहिए कि ये जोपे के द्वारा दिया गया कितने कारक बताए हैं जोपे ने, वो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, पांच कारक इसने बताए कौन कौन से, सक्रिय कारक कौन सा है और निष्क्रिय कारक कौन से है। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बात करेंगे कि निष्क्रिय कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके।